nation failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times is us. वो एक सही visionary leader है, तो उनसे ही कुछ सीख लें और अपने मुल्क के अंदर ये लोग भी कोई vision के तहत कोई काम कर लें. हमारा vision तो इस वक्त तक यही है कि सिंध हो जाए, केपीके हो जाए, पंजाब हो जाए, वफाक हो जाए. गुजरा आके कह रहे हैं कि जनाब मेक श्योर करेंगे कि कल आपको आटा मिले. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. गियाना के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है. उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोविड की सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से बहुत ही टफ किस्म के हालात थे, वहां पे हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जिस तरीके से अद्वियात गियाना और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया भारत ने, इसके वो शुक्र गुजार हैं. लेकिन अब न सिर्फ वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बल्कि रिसेंटली उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक मोरक्को को एक्सपोर्ट किए. दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम आटे को रो रहे हैं आज. और गुजरा कुछ जरूरियात को तर्क करने का भी कह रहे हैं कि आप ये ना खाएं, ये अच्छा नहीं है, ये ना खाएं, इसको तर्क कर दें, बचत करें तो शायद हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पर आ सकती है. कल ना चाहते और चाहते के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है. उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोविड की सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से बहुत ही टफ किस्म के हालात थे, वहां पे हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जिस तरीके से अद्वियात गियाना और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया भारत ने, इसके वो शुक्र गुजार है. मैं चलकर पाकिस्तानी आवाम से इस हवाले से बात कर आपसे क्वेश्चन ये है कि घाना के सदर की तरफ से स्टेटमेंट आई है. पिछले दिनों आपको पता है कोविड की बड़ी वर्स्ट किस्म की सिचुएशन चल रही थी, उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया है हमारा नेबर कंट्री, उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा मदद की है. अगर मेड इन इंडिया मेडिसिन की मैं बात करूं तो ना सिर्फ वो उन्होंने वैक्सीन जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार की, अपने कंट्री के लोगों में इस्तेमाल की, बल्कि अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर भारत ने जो है उसको भेजा, जिसमें घाना के सदर की तरफ से भी एक एप्रिसिएशन आई है कि हम इंडिया की इस मतलब इस काविश के ऊपर हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं. क्या आप भी मुबारकबाद देना चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी? हाँ, ऑब्वियसली मुबारकबाद देंगे. जो भी कंट्री इंसानियत के लिए कुछ न कुछ करेगा, दैट एक्ट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड. ठीक है, तो इंडिया ने अगर मेडिसिन प्रोवाइड करी हैं या बाकी जो ब्लैंकेट्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करी हैं, तो इट वुड बी अ ग्रेट फेवर. ठीक है, तो हम एज अ पाकिस्तानी इस एक्ट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. कैसा होता अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए पास की जाती कि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से मदद की है और कोविड की सिचुएशन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा तो नाम ही मिट गया कि कहीं नजर ही नहीं आता पाकिस्तान. हम हो गए दिवालिया. एक होता है ना, एक कंट्री होता है, उस पर इंटरनेशनल मार्केट में उसका बड़ा नाम होता है, वो कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में लीड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये वो जिया साहब ने कहा था मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुशर्रफ ने कहा था 70 साल से ये नाजुक दौर से गुजर रहा है. ठीक है, सोवियत वार में हिस्सा लिया, तालिबान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, कश्मीर कर रहे हैं, इनसे अपना मुल्क संभलता नहीं है, बलूचिस्तान संभलता नहीं है. ठीक है, अपने हालात ठीक नहीं है, कश्मीर आ गए तो उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे ना. ऑब्वियस ये है कि जी पीस होना चाहिए. जो बिजनेसमैन है, जो कि उनकी लेट्स सपोज के एक बंदे ने लाहौर से कराची या इस्लामाबाद अपनी गुड्स सेंड करनी है, वो तो हड़ताल की वजह से काम खराब हो जाता है. भारत ये है 5 साल पूरे करते हैं, वहां पे मिलिट्री टेक ओवर कभी भी नहीं हुआ. देयर हैज नेवर एवर बीन डिक्टेटरशिप इन भारत. ठीक हो गया, वहां पे 5 साल पूरे करते हैं, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ से डील कर रहा होता है. यहां पे सिविलियन लीडर के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो आर्मी चीफ के साथ टक्कर कर सके. ठीक है, क्या यही वजह है कि आज हम जिन हालात का शिकार? हमारी मिलिट्री स्टेट है, हमारी सिक्योरिटी स्टेट है, हमें बलोच पश्तून पंजाबियों को इकट्ठा करने में इतना ज्यादा बजट लग रहा है, फंड लग रहे हैं, गवर्नमेंट से फंड और लेते हैं, ये बिजनेस करके वहां से और फंड लेते हैं, आर्मी जो असला बेचती है उससे भी पैसा आता है, मुल्क को जोड़ने में इतना लगा. क्या ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है कि वो जाके मुल्क मुल्क में जाके कहें कि जहां मौशी तौर पे हम बड़े कमजोर हैं? क्या ये सिपा सलार को इस तरह भेजना किसी भी दौर में भेजा जाए, क्या ये मुनासिब चीज है? क्या आपने कभी सुना कि भारत का आर्मी चीफ जाके लोगों को कह रहा है कि भारत के अंदर ये बड़ा मसला है? ये तो हमारे एम्बेसडर्स का काम है, वो करें. हमारे एम्बेसडर्स का काम है, फॉरेन ऑफिस का काम है, सियासतदानों का काम है, लेकिन इसके बावजूद जब भी मुश्किल पड़ती है आर्मी चीफ भी हेल्प करते हैं, इदारा भी हेल्प करता है, तो थोड़ी सी जो ख्याल फिर मैं कहूंगा सख्त लफ्ज यूज नहीं करता, सियासतदानों को भी करना चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए. वो एक सही विजनरी लीडर है, तो उनसे ही कुछ सीख लें और अपने मुल्क के अंदर ये लोग भी कोई विजन के तहत कोई काम कर लें. हमारा विजन तो इस वक्त तक यही है कि
सिंध हो जाए, केपीके हो जाए, पंजाब हो जाए, वफाक हो जाए, दूसरा आके कह रहे हैं कि जनाब मेक श्योर करेंगे कि कल आपको आटा मिले। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम आटे को रो रहे हैं आज। और जरूरियात को तर्क करने का भी कह रहे हैं कि आप ये ना खाएं, ये अच्छा नहीं है, ये ना खाएं, इसको तर्क कर दें, बचत करें तो शायद हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पर आ सकती है अगर आवाम भी किफायतशारी अपनाए। लेकिन अपने लिए लल्ले तल्ले नहीं। जैसे आप मोरक्को की बात करें, अरब कंट्रीज की बात करें, यूएई जैसे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, मुस्लिम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज है जो इंडिया के साथ ऐसे काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा पहले हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम के चक्कर में पाकिस्तान रहा और बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्रीज है जिसमें फ्रांस आता है या दूसरे कंट्रीज आते हैं, रिलेशन खराब किया। जैसे अब इंडिया का उनके साथ इस्लामिक कंट्री के साथ बहुत तेजी से रिलेशन बढ़ रहा है तो कल ना चाहते और चाहते हुए वो तो इंडिया की साइड ले। एग्जैक्टली सर, लेकिन बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि एक घर है, एक गांव में या सिटी में कहीं भी एक घर है।